मजाजिक रोमांटिक शायर चला गया वो उजाले समेट कर अपने। मैं उनको जिद्दत पसंद शायर मानती हूँ। जो सोहबतें थी वो बड़े बड़े शोरा से मजाज की जिंदगी का सफर कुछ उसी तरह का है। नाज़रीन और अजीज तलबा आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फासलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम पेश किए जाने वाले इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की इस नशिस्त में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मुज़ाकरा, मजाज, शख्स और शायर। इसमें हिस्सा ले रहे हैं पद्मश्री प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन, जिन्हें एक मुमताज़ मिजाह निगार और कालम नवीस की हैसियत से उर्दू दुनिया जानती है। इनके अलावा सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बेग एहसास और वाइस प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज जामे उस्मानिया प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन। इस मुज़ाकरे के आगाज़ के लिए मैं प्रोफेसर बेग एहसास साहब को दावत देना चाहता हूँ। कहते हैं कि शायर जहाँ जज्बात और एहसासात का तर्जुमान होता है, वहीं वो अपने अहद की भी तर्जुमानी करता है। तो बेग साहब, आप इस हवाले से मजाज की शख्सियत के उन पहलुओं पर रोशनी डालें जिनसे मजाज की शख्सियत के वो पहलू जो दुनिया से, या मैं कहूँगा कि उनके अपने मुआसरीन से भी पोशीदा रहे, उस सिलसिले में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या देखते हैं? बेहद शुक्रिया। कुछ मैं इनके हालात ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा जी, और रही बात ऐसे पहलू जो उनके मुआसरीन से पोशीदा रहे, उसके बारे में बताना बेहद मुश्किल है। कहा नहीं जा सकता कि कौन सी चीज़ पोशीदा रही और कौन सी चीज़ मालूम थी। मजाज का ताल्लुक़ जो है रदौली के जागीरदाराना घराने से है जी। इनके दादा और नाना दोनों हकीकी भाई थे जी। चुनाचे इनकी परवरिश जागीरदाराना माहौल में हुई। और अजीब बात है कि ये 11 बहन भाई थे, जिनमें से 3 लड़कियां और 2 लड़के बाकी रह गए। शास की बड़ी बहन आरिफा बेगम के बाद कई लड़के और लड़कियां हुई और बहुत बचपन में उनका इंतकाल हो गया। तो बड़ी मिन्नतों के बाद मजाज पैदा हुए जी। तो इनका नाम तो आप सभी जानते हैं, असरारुल हक है जी। तो बड़ी इनको लाड़ो प्यार से इनकी परवरिश की गई। उनकी बहन हमीदा बेगम लिखती हैं कि इनको बिल्कुल इनके कान में एक सुराख कर दिया गया था, बाली पहनाई गई ताकि ये ज़िंदा रहें और नज़रबद से बचे रहें। मुहर्रम में भी इनको तरह तरह के कपड़े पहनाए जाते थे। तो बचपन में बड़े लाड़ो प्यार से इनकी परवरिश की गई जी। और इनके बाद जो है इनके एक भाई हैं और फिर सफिया हैं जानसार अख्तर की जो जी थी, और उसके बाद हमीदा सालम है। तो 3 बहनें और 2 भाई रह गए। तो मजाज की इब्तिदा तो घर से बहुत अटैच थे जी। और कहते बहुत ज़्यादा शरीर थे, ज़हीन थे एक ज़माने में, वो बचपन में, और बच्चों से बहुत घुल मिल के रहते थे। इनकी बड़ी बहन आरिफा कम उम्री में बेवा हो गई थी, तो अपने भांजे भांजियों में बहुत ये खेला करते थे जी। और शाज पढ़ने में भी ठीक थे, इन्होंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से कामयाब किया था। तो इनके वालिद ने सोचा कि इनको इंजीनियरिंग करवाएं, चुनाचे इंटरमीडिएट में इनको मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री के मजामीन दे के आगरा में पढ़ाया गया, आगरा कॉलेज में जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको शायरी का चस्का लग गया और जो सोहबतें थी वो बड़े बड़े शोरा से थी, तो ये इंटरमीडिएट बड़ी मुश्किल से पास कर सके। और इंटरमीडिएट के बाद उस वक्त इनके वालिद का तबादला अलीगढ़ हो गया था, तो फिर मजाज अलीगढ़ आ गए। और अलीगढ़ आने के बाद इन्होंने बीए किया, तो इस साइकोलॉजी, हिस्ट्री और उर्दू लिटरेचर से इन्होंने
बीए किया, ये इनके मिजाज से मेल खाने वाले मजामीन थे जी। तो बड़ी आसानी से इन्होंने बीए पास कर लिया। इसके बाद इन्होंने एमए में दाखिला लिया और एमए में दाखिला लेने के बाद अभी फर्स्ट ईयर में थे कि अलीगढ़ में इनकी शायरी की काफ़ी धूम मच गई। अलीगढ़ में इनको बहुत से साथी मिले, जैसे सादत हसन मंटो थे, इस्मत चुगताई थी, सरदार जाफरी थे, जानिसार अख्तर थे, मोइन हसन जज्वी थे जी। सुरूर साहब इनसे ज़रा सीनियर थे, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब थे। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने इनको इनकी शायरी की बुनियाद ही पे दाखिला दिया था। तो चुनाचे ये इतने मकबूल हुए शायरी में कि इस्मत चुगताई लिखती है ना मुसवा भाई के लड़कियाँ, उनका फाल निकाला करती थी कि किसके हाँ कह देती हैं और अपने तकिए के नीचे इनका शेरी मजमुआ जो है रख के सोती थी। तो मकबूलियत की इंतहा थी उसी ज़माने में। ये एमए फाइनल करने से पहले इनको जो है मुलाजिमत के लिए बुलाया गया रेडियो स्टेशन में, और रेडियो स्टेशन का जो रिसाला निकलता था आवाज़ जी, उसके ये एडिटर बनाए गए। नाम भी उन्होंने ही उसके लिए तजवीज़ किया था जी। तो उसके एडिटर बने, वहाँ मज़े में रहे, तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया। लेकिन वहीं दिल्ली में वो एक ऐसी खातून से इश्क करने लगे जो शादीशुदा थी और बड़ी डॉक्टर थी और मुजाहिद आज़ादी की वाइफ थी और उनका बहुत ऊंचे घराने की खातून थी। और उस वक्त समाज इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था कि कोई शादीशुदा औरत से ये इश्क कर सकें। नतीजे में मजाज को इश्क में शदीद नाकामी हुई जी। और फिर वहाँ रेडियो स्टेशन में जो सियासत चली तो इनकी एडिटरी भी ख़त्म हो गई। गमे दौरा गमे जाना, दोनों ही का शिकार हो गए। और उनको कुछ दिनों के बाद नर्वस ब्रेकडाउन का बड़ा एक दौरा पड़ा, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गए। इस तरह ये मदास की ज़िंदगी तो एक अच्छे रास्ते पे जा रही थी, शोहरत की ऊंचाइयों पे थी, यहाँ आके इनकी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हुआ और अलीगढ़ के माहौल की वजह से वो शराब के भी आदी हो गए। अदब पर रुमानियत का गलबा था बिल्कुल, और रुमानी शायर की मैं बिल्कुल नहीं मानती, मैं नहीं मानती जिद्दत पसंद शायर, मैं उनको जिद्दत पसंद शायर मानती हूँ जी। शायरी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अहद के तर्जुमान हो, और वो अहद हिंदुस्तान का एक ऐसा अहद है जिसमें सियासी बेदारी है, सामाजिक बेदारी है, तहजीबी इंतशार है, हर चीज़ मौजूद है। और उन सबसे एक जीनियस मुतासर ना हो ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि मजाज के पास ये चीज़ पूरी खुले तौर पर नज़र आती है, और ये वहीं से शुरू हो जाती है जब वो एफए में यानी इंटरमीडिएट में है जी। आगरे में जब वो थे और फ़ानी जब उनसे कहे कि भाई आपकी शायरी में वो जान नहीं है, तो इनको एक एक इतवार से इनके ऊपर वो ताजियाना था। मजाज एक रोमांटिक शायर थे जी, बुनियादी तौर पे हैं वो। रोमानियत ने उनको कुछ ऐसे दुख दिए, अब ठीक है कि साहब हर एक मजाज कितना बड़ा जीनियस था जी, वो बिखर गया जी। हाँ। मजाज के बारे में जब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक बहुत बड़ा कहीं इतनी जल्दी हमारे दरमियान वो आया और निकल गया जी। तो लगता है जैसे किसी रात का एक माहौल है, सुनसान जगह, बड़े जंगल में कहीं एक बहुत बड़े आलीशान घर में बॉल रूम डांस हो रहा है और फलाएं, ऐसे में एक परिंदा जबकि बड़ी रोशनी है, एक रोशनदान से आता है और दूसरे रोशनदान से निकलता है। मजाज की जिंदगी का सफर कुछ इसी तरह का इतना है। उसी में उसने उतने दुख भी हासिल किए, उसी में उसने जो जो मकबूलियत भी हासिल की, लोगों की मोहब्बतें हासिल की। मजाज ने जिस कम उम्र में जो शोहरत हासिल की से देखिए आप मुश्तवा साहब के, वहाँ जहाँ एक तरफ सर आंखों पे बिठाए जाते हैं हर तरफ दूसरी शायरी के तवसु से, वहीं अगर देखिए आपके अमली जिंदगी में वो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर समझौता करने के लिए तैयार नजर आते हैं। वो सफिया की दोस्त से शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए उनको मुस्तरद कर दिया जाता है कि उनकी तनख्वाह सिर्फ 150 रुपये है। तो यहाँ देखिए आपके ना वो हुस्न परस्त बाकी रहे, ना उन्होंने अपनी अना को रखा, बल्कि वो हालात से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात यह है कि एक तो होम सिक थे, घर से तो लगाव बहुत था, दुनियादारी वो नहीं कर सके, बिल्कुल सारी जिंदगी में नहीं कर सके, बात उनकी शायरी के लहजे की कर रहे हैं। मिजाज ऐसा था कि लोगों से निभा नहीं सके। देखिए बॉम्बे में साहिर रह गए, सरदार जाफरी रह गए, नए ख्यालात, नए रुझानात और नई जबान। अगर आपको अच्छे अंदाज में फनी नुक्ते नजर से देखनी है
तो आप देखिए मजाज के पास आपको मिलती है सहले मुमतना, इतने आसान अशार शायद ही किसी के हैं जो, और फिर अगर आप फनी नुक्ते नज़र से उसका जायज़ा लेते हैं तो वहाँ कोई खामी आपको नहीं मिलती इसमें। आप, अभी आपने मुस्तफ़ा आपने कहा ना कि बड़े ज़हीन आदमी थे और शादी का जिक्र किया अभी फातिमा ने, तो कहा जाता है कि इनके एक दोस्त थे और चाहते थे कि किसी बेवा से शादी करें ताकि उसको सहारा मिले, तो मजाज ने कहा था कि तुम बेफिक्र रहो, शादी कर लो, खुद ब खुद बेवा हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत से वाक्यात हैं जो आप जानते हैं। उस अहद की जो नौजवान नस्ल थी उसकी नुमाइंदगी आप करते थे, तो यकीनन उस वक्त अगर आपकी मजाज से मुलाकात ना रही हो तब भी उनके जो मुआसरीन थे, जो उनके करीबी दोस्त थे, उनसे आपकी मुलाकात रही होगी, तो उनसे आप मजाज के बारे में क्या कुछ सुनते थे, किस तरह की यादें आपके पास हैं मजाज के सिलसिले में? असल में जब हम यानी मतलब बी ए के यानी ग्रेजुएशन हम कर रहे थे, तो उस वक्त मजाज अपने उरूज, उनकी शायरी अपने उरूज पे थी, उनकी ज़िंदगी की तलखियाँ भी और जो कुछ भी है वो भी अपने साथ था उनके सफ़र में। और ये कि हमारे नौजवानों के बड़े मकबूल हमारे शऊर को बनाने में, जैसे अब फैज़ और ये दोनों होते तो अब 100 बरस के हो जाते, तो फैज़ की शायरी और साथ ही साथ मजाज की शायरी हमारे जहनों को हमारे शऊर को बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। और उनकी जगह जगह उनके आहंग के शेर यानी मतलब महफिलों में वो छोटा सा मजमा लेकिन बेइंतहा मकबूल हम लोगों में थी। तो 55 में जब उनकी डेथ हुई है तो हम लोग दारे बीए में थे जी। मगर ये कि मुझे दिल्ली में मजाज के बहुत से हम असरों के साथ जिन्होंने उनके साथ गुजारा था जी। जैसे देवकी नंदन पांडे हुए या फिर बाद में मोइन हसन जज़्बी, वो में हमारे सरपरस्त थे खुद बन्ने भाई मजाज जहीर, और ये मजाज की जहानत के किस्से जितने इन लोगों ने से हमने सुने हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन उनके बहुत ही, जिन्होंने एक नावल भी मजाज की जिंदगी पे लिखा है बहुत सही और बड़ा खूबसूरत नावल लिखा है। मजाज असल में दो इंतहाओं के बीच यानी गम जितना उनका शदीद था उनकी हिस्से मिजा भी उतनी ही, मजाज की जो जो क्या कहते हैं कि हिस्से मिजा है उनकी जराफत है जो, और उनका क्या कहते हैं कि हाजिर जवाबी नुक्ता संजीज और हाजिर जवाबी तो इस कदर बर्जस्ता गोई जो है वो बड़ी बेमिसाल थी। और मजाज के मुश्किल ये है कि लोगों को आज मजाज के शेर उतने याद नहीं जितने मजाज के लतीफे याद हैं। कई किताबें लिखी गई, अहमद जवाल पाशा ने वो मजाज के लतीफे पे उनकी मरने के फौरन बाद मजाज के लतीफे एक किताब लिखी थी, और मजाज के लतीफे हैं भी उसके अंदर ऐसी जहानत के नमूने आपको मिलते हैं कि सब जैसे मजाज अपने मुझे किसी मुशायरे में गए, किसी ने एक बार कहीं मुलाकात हुई, पूछा कि साहब मजाज साहब इधर बहुत दिनों से आपने कोई नए शेर वेर कहानी गजल वजल नहीं कही, तो कहने लगे कि साहब अब तक जो मैंने लिखा है उस पर कौन सा आप लोग अमल कर रहे हैं जो मैं नई चीज़ लिखूं फिर या कोई नई वो मुशायरे का वो भी कहा जाता है ना कि मुशायरे के दौरान कोई बच्चा रोया तो इन्होंने कहा कि नक्श फरियादी है किसकी शोकी है तहरीर का। और बड़ी एक सलीखा मंदी, और उस वक्त तक तो खैर मजाज का ताल्लुक रदौली से था और रदौली के बड़े एक अच्छे घराने से जागीरदार घराने से मजाज को अलीगढ़ में चाहा बहुत गया। वहाँ का जो तराना है उसी ने कॉलेज की लड़कियों की जो लाड़ी पे उन्होंने नहीं अब तक तराना जो है गाया जा रहा है ना, ये मेरा चमन है मेरा चमन, उस दौर के अलीगढ़ चमन का बुलबुल नजर आ जाता है वो कितना कैसा माहौल था, किस किस्म के सरगर्मियाँ थी, वो सारी चीज़ें आपको उनके कलाम में मिल जाती हैं। वैसे मजाज के शेरी सफ़र का जो दूसरा दौर था उस दौर के सिलसिले में तो ये बात कतई कही जा सकती है कि वो इनकलाबी शायरी का दौर इनकलाबी शायरी की उन्होंने तो उस हवाले से बेग साहब मैं आप दोनों से फातिमा मैडम से भी ये जानना चाहूँगा कि उनकी जो नज़म आवारा तो कहते हैं कि ये नज़म दर हकीकत वो मजाज के ही इर्द गिर्द घूमती थी और उसका जो मरकजी किरदार आवारा का था खुद मजाज थे। तो इस सिलसिले में आप लोग क्या सोचते हैं कि नहीं देखिए उसके बारे में फातिमा ने कहा कि वो उनकी अपनी बेचैनी थी और वो दाखिल के, लेकिन मैंने जैसे कहा कि थी तो उनकी बेचैनी रही होगी उनके ज़ात से ताल्लुक़ होगी, लेकिन उस ज़माने के नौजवानों की अक्कासी भी हो जाती है।
कि जो इंतशार, बेरोजगारी और मुफलिसी, समाजी ना बराबरी, समाज का बहुत ज्यादा और खुलकर जो उसके इजहार है वो सरमायादारी में है, वो इनकलाब में है, नौजवान खातून से में है, और वो सिंहासन डोल रहा उसमें है, और आप यानी दूसरी ऐसी बेशुमार उनको आप रोमांस से नहीं जोड़ सकते। एक नज़्म की पूरी इंकलाब इंकलाब है, सरमायादारी है, सरमायादारी है, तिफली का ख्वाब है, ये सब उनकी नज़्म है। वो खुल के सामने आते हैं कि इंकलाबी नजरियात से वो उनकी जो वफादारी थी वो कभी खत्म नहीं हुई। खुद मदाज ने कहा, इश्क है दुनिया मेरी, फितना अखल से बेजार हूँ मैं, जी ये कहा इन्होंने। और सुरूर साहब ने मजाज के बारे में कहा था कि शहीद रुमान, जी हाँ, नहीं देखिए ये दोनों चीजें अपनी जगह पूरी सही हैं कि वो शहीद रुमान भी हैं और शहीद असर भी हैं, उनको जमाने ने भी किया और खुद हालात के जो यानी जो जाती हालात थे उसकी वजह से भी हुए। लेकिन एक अगर देखा जाए तो इनकलाब का इनका जो नारा है, हालांकि इससे पहले जोश का इनकलाब के ऊपर नारा है, लेकिन जोश के पास आपको अदबियत नहीं मिलती, मजाज के पास अगर आप देखते हैं तो अदबियत नजर आती है। पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक पढ़िए, एक बाजाबता तसव्वुर मिलता है, पहले एक जिद्दोजहद के लिए तैयार करना, फिर उस जिद्दोजहद के बारे में बताना। आहंग पे फैज ने बहुत अच्छा अतिवाचा लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि इनकी रूमानी शायरी भी उस तरह की रूमानी शायरी नहीं है, बल्कि इनकी रूमानी शायरी में एक तरह का डेप्थ पाया, गहराई है, डेप्थ है इनके यहाँ। और मुस्तफा ने बहुत सही बात की कि दो इंतहाओं के दरमियान, दो इंतहाओं के दरमियान बड़ी बड़ी मजाज की शायरी, आजमाइश की जिंदगी थी। और उसमें आप ये देखिए कहीं वो शिकवा करते नजर नहीं आते हैं, अपने गम को वो हंस के कबूल भी कर रहे हैं। उस गम को आए ना, मैं दिल क्या करूं, आए वैसे दिल क्या करूं, वो शिकवा ही है। मगर उस जमाने की उसकी नजर ऐसे नहीं हो गए जैसे कि वो रोते बैठे हैं, आहें भरते बैठे, ऐसा नहीं है उनके पास, उसको झेल रहे हैं। जब इतराम जो उनकी नज्म है ना, अब यहाँ क्यों आई हो, क्या लेने आई हो, तो वो बिफरा हुआपन है वहाँ। हालात के बाद मुस्तफा भाई आप ये बताएं, मगर देखिए उनका फिक्राबाजी और तंज वगैरह किस तरह से वो अपने आप को इसे वो तो ऐसा है, अपने गम को अंगेज कर लेने का। मेरा अपना भी जाती ख्याल ये है कि जो खुशमजाक आदमी होता है वो बुनियादी तौर पे बड़ा गमगीन होता है, और इसीलिए बड़ा हसास और बड़ा गमगीन भी होता है, पूरे गम को अपने अंदर अंगेज कर लेने के बाद। अब जैसे ऐसे कई वो है, जैसे शकील बदायूं नहीं बैठे, कई लखनऊ जा रहे, लखनऊ में वो एक किसी दुकान पे, दोस्त की दुकान पे बैठे थे, सुबह जाने लगे मजाज, तो देखा कि शकील बदायूनी किसी कुतुब फरोश की दुकान पे बैठे, तो अपना सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम हो गए, वो चले गए। उसके बाद जब वापस होने लगे शाम को, तो देखा कि फिर शकील साहब बैठे, तो बजाय खैरियत पूछने के वहीं से पुकार के कहा, क्यों मियाँ शकील अब तक नहीं बिके तुम, तुम्हारे अब तक यानी एक जहानत की बात, जहीन तो बेपना थे, बेपना। मगर हम जो बर्दाश्त करने की बात कर रहे हैं ना, वो बर्दाश्त का नतीजा तीन बार नर्वस ब्रेक डाउन के नतीजे में निकला। अब ये आज की एक महफिल में जब ये ब्रेक डाउन के फौरन बाद वो पहुंच गए, वहां पे भी जहानत का एक आपको लगेगा कि किस तरह वो खुशमजाकी की तरफ चले जाते हैं। वो वाज की मजलिस में चले गए, जाहिर है या तो शराबियों की महफिल में इसमें रहते थे, वो ब्रेन आने मतलब उसके बाद आ गया, चले गए वहां जाके बैठ गए। वहां जाने के बाद ऐसा तो वाज की महफिल में बैठे, कह लेंगे मजाज साहब आप और वाज की महफिल में, तो जुमला देखिए आपको कहता है कि साहब भाई क्या बताऊं, आदमी को बिगड़ते देर थोड़ी लगती है, तो अब आप उसके ऐसे सुधरने की बजाय वो कहते हैं आदमी को बिगड़ते देर थोड़ी लगती है। इनकी मौत बड़ी वो भी अफसोसनाक, मौत से पहले जो खास चीज वो उर्दू अदब को दिए हैं वो अगर देखे तो औरत का जो तसव्वुर उनके पास मिलता है वो बहुत कम किसी के पास मिलता है। औरत को हमेशा सिर्फ चाहने की चीज इस तरीके से पेश किया गया, लेकिन मजाज उसे कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं और उसे नुक्ता संज और नुक्ता दां बता रहे हैं। उनका महबूब ख्याली पे कर क्यों नहीं था? ख्याली इसलिए नहीं था कि ख्याली चीज तो ख्याली होती है, हकीकत उनके अतराफ है और हकीकत को कबूल करने वाले हैं। नहीं, इसलिए कि वाकई इन्होंने मोहब्बत की थी जिंदगी में। अच्छा, एक से नहीं, आप ये देखिए औरत उनके पास सिर्फ महबूबा के रूप में नहीं आती। नन्ही पुजारन जो उनकी नज्म है उसमें एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर कशी है, तो उस तस्वीर कशी में वहाँ ना मोहब्बत है ना कोई दूसरी चीज है, लेकिन औरत की सही तस्वीर है कि नन्ही उम्र में, छोटी उम्र
नूरा इनकी नज्म है, उसमें आप औरत को देखिए कि वो नर्स की जो है, तो वहाँ वो एक गमगुसार के तौर पे सामने आ रही है। अच्छा, हमेशा तवायफ का जो किरदार होता है उसके साथ तो लोग मजाक करते हैं, लेकिन ये उसको भी एहतराम के साथ पेश करते हैं। शबिस्ता इनका ताल्लुक रहा हमेशा, और उसको उन्होंने कभी भी इस तरीके से, इस अंदाज से नहीं पेश किया कि उसकी बेइज्जती हो। तो औरत का उसका, औरत को उसका मकाम देने में मजाज की शायरी काफ़ी आगे है, अपने ज़माने से बहुत आगे है। किसी और ने कहा तो बहुत बाद में कहा, लेकिन अगर मजाज ने किया है तो, और मुझे फनी तौर पर उस दौर में शमीम करानी, सलाम मथली शायरी वगैरह वगैरह सब ने, इतनी लताफत, इतनी नगमगी, इतनी गुदाख्तगी, मंटो की सारी अफसाना निगारी और तवायफ को एक बड़ा मर्तबा भी अच्छा करते देखा जाते हैं। 40 के बाद और ये अपनी महबूबाओं से जो है, ये 31 की नज़में हैं। अव्वलियत जाती है मजाज के पास, अव्वलियत आती है मजाज के पास, सबके पास आपको बाद में मिलेंगे। 1931 से लेकर उनका सफर चलता है और ये लोग उसके बाद के हैं। तो आप जो सही अंदाज जो मिलता है आपको, वहीं से शुरू होता है। एकदम से जो शुरू हुई थी ना नौजवानों की शायरी, जिसमें खलीलुर रहमान आज़मी ने भी लिखा कि वो इंतहा पसंदी थी, क्योंकि जोश के ज़ेरे असर ये लोग लिखते थे। अख्तर शिरानी के पास की जो औरत है वो ख्याली औरत है जी, वो कोई हकीकी नहीं है, ज्यादातर धुंधलकों में नजर आती है। उनके हाथ और अख्तर साहब के पास तो नाम भी है ना, सलमा अलमा के नाम तो है, वो सारे ख्याली मजाज एक तसलसल है हमारा, मजाज जो है वो जोश का भी फराग का भी नजरिया है, वो आप कुछ भी बता लीजिए। एक क्योंकि देखिए आप खाली बाहर आने की बात नहीं है, वो बता रहे हैं कि मेरे गम जो हैं मैं, वो मेरे मुझे बढ़ावा देती है, मुझे तस्कीन देती है, मेरे नगमों को गुनगुनाती है, मुझे हौसला देती है, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है। नहीं नहीं देखिए उस ज़माने में फैज की भी बहुत मकबूल हुई ना, मुझसे पहले से 40 के बाद से पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ने, आप देख लीजिए 40 के बाद कैफी आज़मी की भी एक नज़्म है, उस तरह की मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, इस तरह का वो एक ट्रेंड था उस ज़माने का, उस ज़माने का ट्रेंड था। एक चीज़ जब सामने पहली बार आती है तो आप उसकी अव्वलियत को तो तस्लीम करना है। अव्वलियत बहुत पहले से चल रही है, चल रही थी पहले से, बहुत पहले से भी, बहुत पहले से, हाँ मजाक नहीं है जिस तरीके से है मुश्तबा साहब, वो एक अलग है। अच्छा दूसरी क्या है, मीर, किसी ने उनको मीर से नहीं वो किया है, लेकिन आप देखिए कि मीर का लहजा और मीर की छोटी छोटी जो छोटी बहर की जो गज़लें हैं, उन गज़लों की साफ अक्कासी आपको मजाज के पास मिलती है। मजाज पे बेशुमार किताबें लिखी गई, बेहद मजामीन हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने उनके इस तरफ किसी ने इशारा नहीं किया कि वो जो छोटी बहर की उनकी जो गज़लें हैं, वो तमाम गज़लें मीर के असर की गमाज़ी करती हैं और उसकी तौसी है उस रिवायत की जी, इस अहद के एतबार से जिस अहद में उन्होंने अहद है जो मीर से लेके जाने मजाज तक पहुंचे पहुंचे तो इतना बहुत बदल गया। अच्छा लंबा सफर तय किया मजाज के अहद में, किसी और के पास वो क्यों नहीं मिलता जी, इनकी अपनी खसूसियत है वो, किसी और के पास फन की वो गहराई नहीं मिलेगी आपको। ये उसी जमाने में ये जो और वो थे, यानी कही जा रही थी, चाहे अख्तर शिरानी कह रहे हो या उधर जोश साहब से बहुत करीब थे, जोश और फिराक से भी, फिराक से भी बहुत करीब थे, जोश साहब के यहाँ तो जाते भी थे, रहते भी थे। तो आपने यहाँ जमाने की बात की और उनके मौसरीन का यहाँ पर जिक्र किया, तो हम ये कह सकते हैं जो गुफ्तगू आज हमने की इस नशिस्त में, इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि मजाज भी शायर जीज़ थे उस अहद के, बिल्कुल बहुत बहुत नुमाइंदा और बहुत जीता जागता जागता और हमारे जज्बों की तर्जुमानी, जहाँ वो कहते हैं अब जहाँ वो तजबियात देते हैं, जैसे एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, अरे उस दौर की पूरी एक और इस मुजाकरे को ख़त्म करने से पहले, तमाम करने से पहले, अपनी बात को ख़त्म करने से पहले हम ये कह सकते हैं कि ये मजाज के सिलसिले में ये शेर हम कह सकते हैं कि चला गया वो उजाले समेट कर अपने, चला गया वो उजाले समेट कर अपने, तवील राह गुजर थी चराग क्या करता, या फिर होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जलवगर, कहते हैं आफ्ताब कभी डूबता नहीं। तो नाज़रीन आज का ये मुज़ाकरा मजाज शख्स और शायर, जिसके शुरका थे पद्मश्री प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन, नामवर मिजाह नगार वो कालम नवीस, और प्रोफेसर बेग एहसास सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन वाइस प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज जामिया उस्मानिया हैदराबाद। हमें यकीन है आपको आज का यह मुज़ाकरा पसंद आया होगा।
अपनी राय हमें इस पते पर इरसाल करें। निज़ामत फासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्ची बोली, हैदराबाद 5,32,000। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। शुक्रिया।